हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है। गाइज, ये एनसीईआरटी का हमारा सीरीज है जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये सीरीज है। इससे पहले हमने 6, 7, 8 और 9, 9th का जो साइंस यानी कि एनसीईआरटी जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसका डिस्कशन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ये क्लास 10th का है और इसमें हम आइए विस्तृत से डिस्कशन करते हैं। और आपको जो फ्रेंड्स सजेशन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। तो ये क्लास 10 का साइंस का एनसीईआरटी है। इसमें पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये है कि अम्लों का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, तथा नीले लिटमस पत्र को ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो अम्लों का पहचान कैसे होता है, ये नीले जो लिटमस होते हैं मतलब पत्र होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लाल कर देते हैं, तो इसे अम्ल का पहचान होता है। दूसरा, जो क्षार होता है स्वाद में कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस को भी नीला कर देता है, तो ये क्षार का पहचान है। क्या लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा अम्ल, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो याद रखिएगा, क्षार और अम्ल का स्वाद और उसकी पहचान। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जानने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया है जिसे पीएच स्केल भी कहा जाता है। पीएच स्केल के द्वारा 0 से 14 यानी 0 जो होता है अधिकतम अम्लता, और 14 जो होता होगा, जो 14 तक होता है वो अत्यधिक क्षारीय होता है। तो 0 से 14 यानी 0 मतलब अत्यधिक अम्लता, 0 से 14, 14 जो है होगा वो अत्यधिक क्षारीय होगा, तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अगर पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि जो पीएच स्केल है उसमें किसी विलयन का मान 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह जो विलयन होगा अम्लीय होगा, और यदि पीएच का मान जो होगा 7 से अधिक होता होगा तो वह विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, और जो 7 जिसका पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा। तो याद रखिएगा, पीएच से कम 7, जिसका मतलब स्केल पीएच स्केल का मान जो 7 होता है उससे कम होगा, 7 से कम, ठीक है, तो अम्लीय, और पीएच मान 7 से अधिक तो वो क्षारीय। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं 7 से 7.8 पीएच परास के बीच होती है। ठीक है, तो हमारे जो शरीर की विभिन्न क्रियाएं होती हैं वो कितने परास के बीच होती हैं, 7.0 से 7.8 पीएच के परास के बीच। जब वर्षा के जल यानी रेन, जो रेन होती है, वर्षा होती है, इनका जल का पीएच मान होगा 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी इनका जो पीएच मान 5.6 से कम होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, हमारे पेट में हाइड्रोलिक एसिड का निर्माण होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो हाइड्रोलिक एसिड का क्या कार्य है, तो भोजन को पचाने में सहायता करता है। आइए कुछ प्राकृतिक स्रोत और अम्ल देख लेते हैं। सिरका, इसमें जो होती है वो एसिटिक अम्ल होती है। दूध जो होता है खट्टा हो जाता है, या दही जमता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक अम्ल होता है,
टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है और नेटल का जो डंक होता है वो मेथनोइक अम्ल होता है। तो ये प्राकृतिक स्रोत और उनसे उनमें जो पाए जाने वाले अम्ल ये था। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इनका उपयोग हम देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के बिरंजक के लिए, ठीक है, और कागज़ फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक रूप में और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी बिरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसी तरह बेकिंग सोडा जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, यानी इनका उपयोग को देख लेते हैं। किसका? बेकिंग सोडा को, जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में या इसे नम्र बनाने में, जो कोमल कहते हैं इसे बनाने में, खाने को शीघ्र पकाने के लिए, ब्रेड एवं केक को सॉफ्ट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आपको पता होना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन को स्वादिष्ट बनाने में एवं नम्र बनाने में, जल्दी पकाने के लिए, ब्रेड और केक में जो सॉफ्टनेस होती है इसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यह एक जो एंटासिड है, क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके हमें राहत पहुंचाता है। तो ये एक एंटासिड है, यानी एंटी एसिड है। क्षारीय होने के कारण क्या करता है, ये पेट में अम्ल की अधिकता को क्या करता है, उदासीन कर देता है, जिससे हमें आराम महसूस होता है। वाशिंग सोडा का उपयोग देख लेते हैं। वाशिंग सोडा का जो उपयोग है, जिसे इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है, इसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कांच में, साबुन एवं कागज उद्योगों, तो साबुन बनाने में वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। दूसरा जो उपयोग होता है, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक बनाने में होता है। और नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, इसका उपयोग यानी सोडियम कार्बोनेट का घरों में साफ सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप वॉशिंग सोडा का उपयोग याद रखिएगा। और जो वॉशिंग सोडा है, जल की अस्थायी कठोरता को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था वॉशिंग सोडा का कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में, या मूर्तियों के सांचे ढालने में, या कोई आप कह सकते हैं मूर्ति कला में भी इसका, मतलब कि मूर्तियों को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। मरकरी के अलावा सारी धातुएं कमरे के ताप पे क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। याद रखिएगा, मरकरी जो होती है ये कमरे के ताप पर ठोस नहीं मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा सारे धातुएं जो होती हैं कमरे के ताप पे ठोस होती हैं। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, परंतु गैलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम है, ठीक है। तो गैलियम और सीजियम दो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि आयोडीन अधातु होने पर भी चमकीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कई रूपों में पाई जाती है। कार्बन के प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप ही है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप जो होता है वो ग्रेफाइट है, जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनका घनत्व तथा जो गलनांक होता है कम होता है। अधिकतर अधातुएं दहन करने पे ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो जल में घुलकर
अम्ल बनाते हैं, वही अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। यानी अधातुएं जो होते हैं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो घोलकर अम्ल बनाते हैं, कहाँ, जल में। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। यानी धातु और ऑक्सीजन क्या करेंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी। एक्वा रेजिया, ठीक है, इन्हें 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। एक्वा रेजिया, याद रखिएगा इस नाम को, इसे 3:1 में किसको, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो होता है वो ताजा मिश्रण है। यह सोने को गला सकता है, लेकिन इनमें से अकेले किसी अम्ल को सोने को गलाने की क्षमता नहीं होती है। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद ही जो होती है सोने को ये गला सकते हैं। इनमें से कोई एक सिर्फ अकेले सोने को ये गला नहीं सकता है। ऐसी धातुएं जो कमरे के ताप पर द्रव होती हैं वो पारा है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वो सोडियम है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है वो चांदी है, ऊष्मा की कुचालक होती है पारा और सीसा। ये था। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अघात वर्ध और तन्य के बारे में है, तो हम इसमें देख लेते हैं क्या इसका डिफ्रेंसिएशन है, अंतर है। धातु को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, इसे अघात वर्ध्यता कहते हैं, ठीक है।